दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में अपन बात करेंगे ₹1000 पेंशन को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में अब न्यूनतम पेंशन ₹1000 हो गई है, जो कि अगले महीने से सभी को ₹1000 पेंशन मिलने लग जाएगी। अगर आप भी ₹1000 पेंशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। आप घर बैठे कैसे पता करेंगे कि अगले महीने ये ₹1000 पेंशन आपको मिलेगी या नहीं, आप इसके पात्र हैं या नहीं, या महंगाई राहत कैंप में जो आपने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया है वो सही प्रकार से हुआ है कि नहीं। जिनके रजिस्ट्रेशन सही नहीं हुए हैं उन्हें अगले महीने से पेंशन नहीं मिलेगी। तो आज अपन उसी पे बात करेंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन सही हुआ है कि नहीं, और अगर उसमें कुछ कमी है तो आप कैसे पूरी कर सकते हैं। अगर आप भी ₹1000 पेंशन अगले महीने से लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सरकार से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो आपको बता दें कि सरकार अब आपको राजस्थान सरकार जो है न्यूनतम पेंशन ₹1000 देने जा रही है, यानी जिनकी भी 500 और 750 पेंशन आती है उन सभी को जो है अगले महीने से ₹1000 पेंशन सरकार देगी। और आपको मैं बता दूं कि जिनकी पेंशन जो ₹1000 से ज़्यादा है, जैसे ₹1000 या 1500 है, उनकी जो है पेंशन उतनी ही रहने वाली है, कि सिर्फ जिनकी 500 और 750 है उनकी पेंशन बढ़कर 1000 होगी, क्योंकि सरकार ने न्यूनतम पेंशन ₹1000 कर दिया है। इसके लिए आपको महंगाई राहत कैंप में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद जो है आपको ₹1000 पेंशन मिलती है। अब अगर बात कर लें कि आपने महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवा लिया और आपको पता नहीं कि रजिस्ट्रेशन सही हुआ है कि नहीं, तो आप कैसे पता करेंगे कि जो है आपका रजिस्ट्रेशन सही हुआ है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले आपको आपके गूगल क्रोम ब्राउजर में आ जाना है, गूगल पर जाना है, वहां पर जो है आपको राज SSP टाइप करना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपको फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको जो है रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर पेंशन जो है स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशन नंबर ID में अगर बात करें आपको आपके PPO नंबर डालने हैं, कैप्चर कोड डालने हैं, वहाँ पर आपको इंग्लिश रहने देना है, और आपको गेट डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी पेंशन का स्टेटस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे एक नई चीज़ ऐड की गई है कि जिनका भी महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनके में लिखा आ रहा है कि इन्होंने जो है महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। लेकिन अब बात कर लेते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन सही नहीं हुआ है या जिन्होंने नहीं करवाया उनके में क्या आ रहा है। तो उनके में ये चीज लिखी आ रही है कि इनका जो रजिस्ट्रेशन महंगाई राहत कैंप में नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से जो है आप घर बैठे स्टेटस चेक कर सकते हैं अपनी पेंशन का, कि आपका भी रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है कि महंगाई राहत कैंप में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपको अगले महीने से ₹1000 पेंशन मिलने लग जाएगी। लेकिन अगर यह दिखा रहा है कि महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको जो है ₹1000 पेंशन नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको कैंप में दोबारा जाना है और अपना रजिस्ट्रेशन एक बार दोबारा करवाना है और चेक करवाना है कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं दिखा रहा। तो यह अपडेट थी कि आप घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपकी जो है पेंशन के लिए, आप ₹1000 पेंशन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि अगले महीने से सभी को जो है ₹1000 पेंशन मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि सरकार ने कहा है कि हर साल पेंशन में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी, यानी सरकार हर साल जो है 15% जो है पेंशन बढ़ाने वाली। पूरी जानकारी मैंने आपको वीडियो में दे दी है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप नज़दीकी महंगाई राहत कैंप में जाएं और ₹1000 पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, जब भी आपको अगले महीने से ₹1000 पेंशन दी जाएगी। पूरी जानकारी मैंने आपको वीडियो में दे दी है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन।